स्नैपचैट बना रहे थे तुम लोग तो मेरे लिए भी बचा देना, मेरा जूस नहीं आया। देखिए तो कहाँ भी गंदा होना होता है, मोहब्बत में आग लगती है लेकिन इसे बुझाना नहीं पड़ता। कुछ ज्यादा कॉमन सेंस ये क्वेश्चन ही तो मेरा आईक्यू लेवल टेस्ट कर रहे हैं यार। टिक टिक टिक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी ज़रियाब आरिफ, एक प्राइवेट चैनल पर मैं काम करती हूँ विद द नेम ऑफ व्यूज मेकर्स और करंट अफेयर शो कर रही हूँ। टिकटिकी वालों ने मुझे पकड़ा है कुछ जानने के लिए मेरे बारे में, सो लेट्स सी क्या टिकटिकी ये लगाते हैं, क्योंकि मैं तो कुछ दोस्तों के साथ ही एक कॉन्सर्ट अटेंड करके आई, सोचा कुछ घूम फिर लूँ, लेकिन शायद ये टिकटिकी लगाए बैठे थे कहीं पर। सो लेट्स सी अब क्या टिकटिकी लगाने वाले हैं लोग। मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम प्रपोज कब किया गया? The IT college, I have told you before, तो एक ग्रुप था वहाँ पे मुझे फर्स्ट प्रपोजल आया था, तो वहाँ पे मुझे पहली दफ़ा प्रपोज किया गया था। अच्छा, तो अब मुझसे सवाल ये मेरे पास आया कि मीडिया में कोई ऐसा बंदा मिल जाए कि मौका मिले और मैं गला दबा दूँ। वैसे तो जिसने सवाल ये पूछा उसे बेहतरीन तरीके से पता है मैं किसका गला दबाना चाहती हूँ, लेकिन नाम नहीं मैं बता रही। He's a guy, she's not a girl. ठीक है, आई थिंक इतना काफ़ी है। अच्छा, तो टिकटिकी वालों ने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मेरा फेवरेट एंकर कौन है, और ये भी बता दूं कि वो जो मुझे पसंद नहीं है, इकरा हारिस, अपने टाइम की खूबसूरत एंकर, इतना पोलाइट बोलती हैं, इतनी खूबसूरती से न्यूज़ डिलीवर करती हैं कि सामने वाला ये नहीं समझता कि वो खबरें सुन रहा है, वो ये सोच समझता है कि उससे कुछ समझाया जा रहा है कि मुल्क में क्या हो रहा है। रही बात इस चीज़ की कि मुझे कौन पसंद नहीं है, वैसे मैंने 2-3 दिन पहले ही अपने किसी दोस्त को बोला था कि अगर मुझसे कोई पूछे ना कि यार मसला क्या है तुम्हारे साथ, तो मैं इसके मुंह पर नाम लेकर बताऊंगी कि यार मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। तो वैसे तो मैं यहाँ पर नाम देने जा रही हूँ, लेकिन बाद में सोचूंगी इसे कटवाना है या नहीं कटवाना। रबिया एहसन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो निकनेम जो मेरी फैमिली मुझे बुलाती है छोटी से अभी तक, दे कॉल मी मिशी। मिशी के नाम से नहीं जानते लोग मुझे ज़रियाब के नाम से जानते हैं। काफ़ी टफ क्वेश्चन है, स्टिल आई एम सिंगल, लेकिन आई वुड प्रेफर, आई थिंक आई शुड गो फॉर लव मैरिज, क्योंकि उसमें शायद आपको इतना ही होता है कि आप एक दूसरे को समझ जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि मैंने आखिरी बार झूठ कब बोला है? आखिरी झूठ ऑफिस से कब छुट्टी मिली थी? परसों बोला होगा। हाँ, परसों आखिरी झूठ बोला मैंने। फेवरेट फूड, अच्छा फेवरेट फूड में वैसे तो काफ़ी कुछ आ जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से जो मैं बेस्ट खा सकती हूँ और कहीं पर भी ऑर्डर कर सकती हूँ, पिज्ज़ा। आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, किसी भी कैफ़े में चले जाओ, जहाँ पर आपको उनकी बेस्ट आइटम का नहीं पता, आपको टेस्ट का नहीं पता, आई थिंक पिज्ज़ा एक ऐसी बेस्ट चीज़ है जिसे आप कभी भी कहीं पर भी इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। आप पूछना चाह रहे हैं कि मेरी पहली लड़ाई, एक स्टूडेंट हुआ करता था मेरी क्लास में, काफ़ी अनॉइंग था, काफ़ी ताड़ने वाला हुआ करता था, सो आई स्टिल रिमेंबर कि जो मेरी पहली लड़ाई थी ना वो उसके साथ बहुत ज़बरदस्त थी। तो नाम भी मैं बता देती हूँ, उस लड़के का नाम निसार था जिससे मेरी पहली फाइट रही इस तरह की। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी जगह है कि जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा जाना पसंद है। पाकिस्तान में रहने के लिए सबसे बेहतरीन शहर इस्लामाबाद, और घूमने के लिए आई थिंक हुंजा बहुत बेहतरीन जगह है। लेट्स सी कि मैं कब प्लान करती हूँ हुंजा जाने के लिए। टिकटिकी वालों ने अब अपनी टिकटिकी लगाना शुरू कर दी है, और क्वेश्चन ये फेंका है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ज़मीन पर बहुत सारा दिन रगड़ा खाती है लेकिन गंदी नहीं होती। सारा दिन गाड़ी का टायर, अच्छा वो भी गंदा हो जाता है गाड़ी का टायर। मेरे ख्याल से लोगों की ईगो। रगड़ा बोनी बहुत दिन दिन में बहुत बार रगड़ा खाती है। आई गेस शू, चप्पल है, देन व्हाट, रगड़ा खाती है पर गंदी नहीं होती। एनी गेस,
साया हो ओके आग लगती है लेकिन बुझाना नहीं पड़ता. पानी नहीं, पानी पेट्रोल पानी पेट्रोल लिक्विड है प्यास बुझानी नहीं पड़ती. बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ये. टिकटिकी वालों ने अब बड़ी धासुक टिकटिकी लगाई है कि एक ऐसी चीज जिससे लड़कियां पहनती भी और खाती भी हैं. ईगो एटीट्यूड. नहीं, जब प्यास में पानी आ सकता है तो ईगो में एटीट्यूड भी इसमें तो आ सकता है ना. पहनती भी हैं और खाती भी हैं. लिपस्टिक खाओ मत, दिमाग लड़ाओ. ओके. कुछ हिंट दे दो. बीड़ी जलाई ले. वे तो लॉन्ग में लैची है ना. यस. वो कौन सी ऐसी चीज है हमें ना मिले और हमें हाथ से काम चलाना पड़ता है. ये ओह माय गॉड, दिस इज सो एम्बैरेसिंग. कौन सी ऐसी चीज जिससे जो ना मिले तो हाथ से काम चलाना पड़ता है. ना मिले तो हाथ सफाई के लिए टिश्यू. नहीं, मैं वो नहीं सोच रही जो तुम लोग सोच रहे हो. लेकिन वैसे तो हाथ ही हैं, हर काम हाथ से होता है. टिश्यू. गेस. हाँ, जबान भी तुम चलाते हैं. जब हाथ नहीं चलाते, जबान नहीं चलानी होती तो खाने के लिए फॉक कांटा. ओ यस, चम्मच. ओके. वो कौन सी आवाज है जो आप नहीं सुन सकते, दूसरे सुन सकते हैं. बहुत ही गंदा सा कमेंट आ रहा है मेरे पास. मैं ऐसे यहाँ पे भी नहीं दूंगी. गाड़ी में बताऊंगी तुम लोगों को. मैं सुन सकती हूँ, लोग नहीं सुन सकते. अच्छा, मैं सुन सकती हूँ, लोग नहीं सुन सकते. हाँ, वैसे तो मम्मी की गालें भी लोग सुन सकते हैं ना, मैं नहीं सुन सकती. पंखे की आवाज. नहीं, पंखा नहीं. लोग सुन सकते हैं, मैं नहीं सुन सकती. खांसी नहीं. ड्रायर की आवाज. नहीं. मेरी अपनी आवाज, मेरी आवाज. अच्छा, लोग नहीं सुन सकते, मैं सुन सकती, लोग नहीं सुन सकते. कोई टिकटिकी लगाओ यार प्लीज, फॉर गॉड सेक. मैं सुन सकती हूँ, लोग नहीं सुन सकते. ये अजीब से टिकटिकी है, क्या लगाई है. मेरे खराटों की आवाज. ओके फाइन, मेरे खराटों की आवाज मैं नहीं सुन सकती लेकिन लोग सुन सकते. बड़ी बेहतरीन टिकटिकी लगाई है. कैरी ऑन. टिक 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 मींस टिकटिकी लगा के रखना, मूड बना के रखना. आएंगे ये आपके पास ख्यालात संभाल के रखना.